और अफगानिस्तान की नई सरकार में पाकिस्तान का दखल शुरू हो गया है और अब वहां के स्कूल में आतंकियों के ट्रेनिंग कैंप बनाए जा रहे हैं, यहां आत्मघाती हमलावरों को ट्रेनिंग दी जा रही है। अफगानिस्तान से वो खबर आई जो पूरी मानवता के लिए चिंता का विषय है, पूरी इंसानियत के लिए खतरा है। अफगानिस्तान में स्कूलों को ही आतंकियों का ट्रेनिंग कैंप बनाया जा रहा है, स्कूलों में आत्मघाती दस्तों को ट्रेनिंग दी जा रही है। इतना ही नहीं, स्कूलों में हथियारों के गोदाम बनाए जा रहे हैं। राजधानी काबुल में भी स्कूलों में आतंकियों का बेस कैंप तैयार किया गया है और इनकी ट्रेनिंग भी अमेरिकन हथियारों से हो रही है। ये वही हथियार है जो अफगानिस्तान छोड़ते समय अमेरिका छोड़कर गया था। यहाँ आत्मघाती हमलावर बनने के लिए भी ट्रेनिंग दी जा रही है। यहाँ स्कूलों में बॉडी आर्मर, यूमवेस, नाइट विजन गॉगल्स, M4 कार्बाइन, M16 राइफल जैसे हथियारों का जखीरा है। यहाँ ट्रेनिंग देने के लिए गरीब बच्चों को चुना जाता है। ये वैसे परिवार से लाए जाते हैं, गरीबी इतनी कि लोग खुद ही कहते हैं कि उन्हें आत्मघाती दस्ते के लिए चुन लिया जाए। ये प्रशिक्षण मिशन के आधार पर 40 दिनों से 6 महीने के बीच होता है और ये सभी के सभी अशिक्षित होते हैं। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।